इंडिया ने पाकिस्तान के ओवर एक्टिंग का दुकान जो है मोमिन साकिब उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया। और ये काफी बढ़िया है क्योंकि ये जो मोमिन साकिब है ये इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है कि फैंस को इरिटेशन होने लगता है। और फैंस को छोड़ो, यहाँ पे प्लेयरों को इरिटेशन होने लगता है यार। मतलब ये कभी इंडियन प्लेयर के पास जाके यहाँ पे इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देंगे, इंडियन प्लेयर से बातें करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ऑन कैमरा जो इंडियन प्लेयर थे वो डायरेक्ट तो भगा नहीं सकते ना इसको, और ये थोड़ी इमेज की बात हो जाती है इसलिए वो भी थोड़ा प्यार से बात कर लेते हैं। लेकिन इंडियन प्लेयर को भी पता है कि भाई ये ओवर एक्टिंग की दुकान है, मतलब ये जब सामने आएगा तो आपको इरिटेशन होने लगेगा। और इंडिया ने बहुत अच्छा किया, इसका वीजा रिजेक्ट किया। देखो मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया जो है वो लिमिटेड वीजा देगा यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस को, वो भी बैकग्राउंड क्लियरेंस के साथ। अगर किसी पाकिस्तान का किसी आर्मी के से बैकग्राउंड है या फिर किसी से बैकग्राउंड है तो वैसे इंसान को जो वीजा है वो नहीं दिया जाएगा। और ये बात यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने खुल के कह दिया है क्योंकि हम लोग अपने प्लेयर की सेफ्टी, बाहर के प्लेयरों की सेफ्टी, हमारे फैंस की सेफ्टी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इंटरव्यू में बाबर आजम ने कहा ना, इंटरव्यू में बाबर आजम ने कह दिया कि हमारे फैंस इंडिया में मतलब बहुत कम होंगे, जो फैंस होंगे उनके ही फैंस होंगे, तो हमारे फैंस हमको सोशल मीडिया पे सपोर्ट करेगा। ठीक है, तुम्हारे फैंस आपको भाई सोशल मीडिया पे सपोर्ट करेगा, लेकिन हमारे फैंस तो भाई लाइव क्रिकेट स्टेडियम में जाकर सपोर्ट करेंगे 1.5 लाख के बीच में। अब यहाँ पे खेल के दिखाओ, वो जो नॉइस होगी इंडिया इंडिया वो मजेदार होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो ओवर एक्टिंग की दुकान है मोमिन साकिब, इसको अच्छा किया इंडिया ने, इसका वीजा रिजेक्ट कर दिया। नहीं तो ये आता इंडिया के अंदर आके ओवर एक्टिंग करता, जो उलूल जुलूल हरकत है वो करता यहाँ। मतलब इसकी वीडियोस देख के आपको इतनी ज्यादा इरिटेशन होगी, इतनी ज्यादा इरिटेशन होगी ना कि मैं क्या कहूँ। लोगों को लगता है कि फनी है, बहुत फनी फन करता है, ये करता है, वो करता है, कुछ नहीं, बस अपनी दुकान चला रहे हैं प्लेयरों के नाम पे, क्रिकेट के नाम पे। बाकी इसको देखते हो कभी भी 12 महीना गायब, 12 में से 4-5 महीना गायब ही रहता है। जब पाकिस्तान का मैच है, इंडिया का मैच है, तब आगे ये नौटंकी स्टार्ट करता है पब्लिसिटी, फेम, इन सब चीजों के लिए। तो ये ओवर एक्टिंग की दुकान को इंडिया ने अच्छा सबक सिखाया और इसका जो वीजा है वो रिजेक्ट कर दिया। काफी बढ़िया लगा ये न्यूज सुन के। इसके साथ साथ 2-4 कंटेंट क्रिएटर और थी, उसका भी यहाँ पे वीजा रिजेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आजकल क्या है ना, इंटरनेट की दुनिया पे कोई भी यहाँ पे मोबाइल उठाता है, मुंह दिखाता है और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। सब लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। तो ये प्रोफेशनल जर्नलिज्म नहीं, आपने कभी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को देखा है किसी के पीछे भागते हुए, ANI को या फिर ये, मतलब वो लोग जाते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास जाते हैं जब उनको मतलब टाइम रहता है उनके पास, तब। ऐसे नहीं यार, आजकल तो सभी सोशल मीडिया पे वो करने के लिए करते हैं। तो इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। बाकी यहाँ पे जो पाकिस्तान टीम है वो रात को 3 बजे दुबई से इंडिया के लिए उड़ान भर दी है और इंडिया वो आज शाम तक शायद पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान टीम का वेलकम इंडिया में काफी अच्छा ही किया जाएगा, जोरों शोरों से किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पे कल अफगानिस्तान की टीम आ गई है, श्रीलंका की टीम, बांग्लादेश की टीम, सारी टीम यहाँ पे इंडिया के अंदर आ गई है। तो अब यहाँ पे जो घमासान मुकाबला है वर्ल्ड कप से पहले वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि काफी बढ़िया लगेगा। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे इंडियन टीम इस बार जो है वो जीतेगी ही, और बिना जीत की तो गुंजाइश ही नहीं इंडियन टीम के आगे, मतलब जीतना ही पड़ेगा। और अहमदाबाद में पाकिस्तान को तो फोड़ना ही पड़ेगा। तो टीम इंडिया जो है वो रेडी है, आज टीम इंडिया का मैच भी है 1:30 बजे से, जिसमें 5 प्लेयर नहीं खेलेंगे, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, श्रद्धा ठाकुर, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, ये प्लेयर नहीं खेलेंगे, बाकी सारे प्लेयर खेलेंगे।